बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम गॉडलाइक हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक्सपाक की साइड से, यहाँ पर एक बढ़िया जो स्लैमिन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है टीम गॉडलाइक की। टीम एक्सपाक को ही पता है कि अगर यहाँ पे इस मैच में वापस आना है तो ये जो पोजिशन है टीम गॉडलाइक की वो उनको लेनी पड़ेगी। क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, नियो के ऊपर भी स्प्रे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब नहीं। स्काउट वर्सेस जॉनथन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर जो नॉक है वो आएगा। जॉनथन अभी के लिए ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक्सपाक की तो उनकी जो पोजिशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जॉनथन एक और ग्रेनेड यहाँ पर कुक करते हुए क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहाँ पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा और अब टीम एक्सपाक यहाँ पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे के साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जॉनथन को डाउन कर दिया गया स्काउट के द्वारा। जो फिनिश है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉडलाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्सपाक अभी के लिए रैंपेज पर हमें जरूर से देखने को मिल जाएगी। रिवाइवल का यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। इन टीम गॉडलाइक से दो ही प्लेयर सर्वाइविंग, नियो एंड डी गॉड। जी बिल्कुल, इंडिया के दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के बीच में हमने 1v1 का यहाँ पे सिचुएशन देखा। स्काउट थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें दिखाई दिया, बट रॉनक की बात करें उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। डेस्टो की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा, बट नियो खुद भी डाउन है। जॉनथन खत्म हो चुके हैं, दो प्लेयर बचेंगे यहाँ पे, बट नहीं, इसी के साथ एक और प्लेयर खत्म होता हुआ स्कारलेट गेमिंग का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। बट जी गॉड की बात करें वो भी अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। टीम एक्सपाक की स्क्वाड को आप देखें, एक पूरा डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 11 फिनिशर्स उनके नाम है, मुझे लगता है ये बराबर भी जल्द उनके नाम आने वाला। बट स्काउट सीधा आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। स्काउट वर्सेस जी गॉड होता है, स्काउट एक बार फिर से आगे निकलेंगे। जी गॉड को उन्होंने डाउन किया, 12 फिनिशर्स करिए उसको। कमला बॉय आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, बट नहीं, उनको भी खत्म किया गया। क्या स्काउट ही थे? बट नहीं,